बच्चों, गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल है बच्चों। माय नेम इज मनोज चौहान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और शेयर कर देना। बच्चों, आज का जो वीडियो है वो नोट्स मेकिंग के बारे में 2023 और 2024 एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग ही ये वीडियो है। तो बच्चों, आज से एक या दो साल बाद आपको अगर IIT का मेंस और एडवांस क्रैक करना है तो अपने खुद के ही नोट्स बनाने हैं, किसी और के नोट्स नहीं लेने, चाहे वो लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक के ही क्यों ना हो। आपको अपने नोट्स खुद बनाने। अगर आपका चैप्टर लॉग चल रहा है या आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर चल रहा है तो आप अपने ही नोट्स बनाइए, कोई PDF नहीं, कुछ नहीं, नो नॉनसेंस, ठीक है ना। आपके खुद के द्वारा जो लिखा गया है, आपके खुद के द्वारा जो फील किया गया है क्लास में, चलती क्लास में जो मैजिकल वर्ड्स टीचर ने बोले हैं उनको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं, वो सब आपके द्वारा ही पेन डाउन होना चाहिए। जो रिवीजन ऑफ नोट्स रेगुलर होना चाहिए आपका, और ये इंटरवल जो है, आप हर चैप्टर को कितने दिनों बाद आप वापस देखेंगे, नोट्स को दोबारा देखेंगे, हाइलाइटेड पार्ट देखेंगे, कुछ अच्छे क्लास इलस्ट्रेशंस को दोबारा रिकॉल करना है आपको, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, बच्चे टू बच्चे डिपेंड करता है। हर किसी के लिए एक रूल अप्लाई नहीं होगा, फिर भी मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि 15 दिन में एक चैप्टर आप एक बार रिकॉल कर लिया कीजिए। जैसे आज आपका एक चैप्टर खत्म हुआ तो 15 दिन बाद एक बार दोबारा नोट्स को कट 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 फटाफट देख लिया और रिवाइज हो गया। 1 घंटा ले सकते हैं आप एक चैप्टर को रिवाइज करने में, इससे कम या ज्यादा अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है। बच्चों, अगला है ग्रैस्प एवरी कॉन्सेप्ट एंड नॉट ब्यूटी। कई बार बच्चे जो है ओवरडू कर देते हैं नोट्स में हाईलाइट करना, लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग, इस तरह के 3-4 कलर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे उससे, आप करिए जो आपको करना है, पर वो आपका टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट ग्रैस्पिंग पर ज्यादा फोकस और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ज्यादा फोकस करना है, न कि अपने नोट्स को ब्यूटीफाई करने में, ठीक है। बच्चों, आई होप यू लाइक द वीडियो, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर IIT एग्जाम प्रिपरेशन, बाय बाय।